ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें एनसीईआरटी मिसलिनियस एक्साइज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, जेड वन टू माइनस आयटा, जेड टू वन प्लस आयटा। फाइंड आउट करना है आपको मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस वन, जेड वन माइनस जेड टू प्लस वन, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस वन डिवाइडेड बाय जेड वन माइनस जेड टू प्लस वन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहां से जेड वन प्लस जेड टू दोनों को ऐड करना है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा मॉडुलस टू माइनस आयटा वन प्लस आयटा प्लस वन डिवाइडेड बाय जेड वन माइनस जेड टू, टू माइनस आयटा माइनस वन प्लस आयटा प्लस वन मॉडुलस। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, ये आयटा से आयटा कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, फोर बाय टू माइनस आयटा माइनस वन माइनस आयटा प्लस वन। नाउ ये वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो टू माइनस टू आयटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट यहां से फोर बाय टू माइनस टू आयटा मॉडुलस। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, टू कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ टू वन माइनस आयटा। अब फ्रेंड्स डिनोमिनेटर में क्या है, आयटा की फॉर्म है, हम मॉडुलस तो बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले क्या है इस डिनोमिनेटर में आयटा को रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स। तो रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से रैशनलाइज कर सकते हैं, वन प्लस आयटा वन प्लस आयटा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा टू प्लस टू आयटा, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी मीन्स वन का स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर मॉडुलस। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा टू प्लस टू आयटा, वन का स्क्वायर वन होगा, आयटा स्क्वायर मीन्स माइनस वन, आयटा स्क्वायर मीन्स माइनस वन, तो प्लस हो जाएगा ये तो टू आ जाएगा और मॉडुलस। नेक्स्ट ये आ जाएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ टू, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो स्टूडेंट्स, तो वन प्लस आयटा मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स, तो इसका मॉडुलस क्या आएगा स्टूडेंट्स, अंडर द रूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, रियल पार्ट वन है, इमेजिनरी पार्ट ऑल्सो वन, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से अंडर द रूट टू आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट टू। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर में क्या था स्टूडेंट्स, आयटा था, तो रैशनलाइज कर दिया, रैशनलाइज करने के बाद स्टूडेंट्स हमने फाइनली मॉडुलस फाइंड आउट कर दिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ए प्लस आयटा बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयटा का होल स्क्वायर 2x square plus 1, ये मैं प्रूफ करना स्टूडेंट्स, a square plus b square is equals to x square plus 1 whole square 2x plus 1 whole square, इसके ऊपर प्रूफ करना स्टूडेंट्स। तो यहां से हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, a plus iota b, इसको ओपन करो स्टूडेंट्स होल स्क्वायर को, ये आएगा x square plus iota square plus 2x iota divided by 2x square plus 1, आयटा स्क्वायर मीन्स फ्रेंड्स माइनस 1, आयटा स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस 1 मीन्स x square माइनस 1 आ जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो रियल पार्ट है डिनोमिनेटर पार्ट है इसको रियल के नीचे अलग से सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी के नीचे अलग से सेपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x square प्लस x square माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x square प्लस 1 2x आयटा डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 a प्लस आयटा b। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहां से जो a की वैल्यू आएगी हमारे पास a आ जाएगा यहां से स्टूडेंट्स x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। नाउ b जो आएगा स्टूडेंट्स 2x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, a और b की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
मीन्स हमें ए का स्क्वायर और बी के स्क्वायर को ऐड करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां से जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो एलसीएम में टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर ही आएगा फ्रेंड्स, एलसीएम दोनों साइड से। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, टू एक्स का स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर, टू एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, फोर एक्स स्क्वायर। नाउ डिनोमिनेटर पार्ट इज टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, टू एक्स प्लस वन, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख रहे हैं यहाँ पर, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट यहां से स्टूडेंट्स जो हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्स टू द पावर फोर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हो जाएगा यहां से फोर माइनस टू टू, एक्स टू द पावर फोर प्लस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसको हम यहां से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, सॉरी ये एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर है और टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। फ्रेंड्स यहां पर जो रूट में मिस्टेक होगी यहां पर एक्स स्क्वायर आएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर आएगा फ्रेंड्स। क्लियर फ्रेंड्स? क्योंकि हमने यहां पर फॉर्मूला क्रिएट कर दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करोगे तो एक्स टू द पावर फोर प्लस वन प्लस टू ए बी टू एक्स स्क्वायर, तो ये इसका होल स्क्वायर बन गया। और डिनोमिनेटर में क्या था फ्रेंड्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर था, जो कि हमारे पास एज इट इज एलसीएम आया था यहाँ पर। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जेड वन इज इक्वल टू टू माइनस आईटा, जेड टू इज इक्वल टू माइनस टू प्लस आईटा, फाइंड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू डिवाइडेड बाई जेड वन कॉन्जुगेट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन बाई जेड वन इंटू जेड कॉन्जुगेट। क्लियर फ्रेंड्स? तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, फर्स्ट पार्ट है रियल ऑफ जेड वन जेड टू डिवाइड बाई जेड वन कॉन्जुगेट। क्लियर फ्रेंड्स? नाउ जेड वन मीन्स टू, हम सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स इसको फाइंड आउट करेंगे, क्या है ये स्ट्रक्चर, जेड वन जेड टू डिवाइडेड बाई जेड वन कॉन्जुगेट। नाउ जेड वन इंटू जेड टू, टू माइनस आईटा इंटू माइनस टू प्लस आईटा। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां से ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई जेड वन कॉन्जुगेट, जेड वन का जो कॉन्जुगेट होगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, टू प्लस आईटा। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो स्टूडेंट्स क्या होता है, चेंज होता है कॉन्जुगेट में, तो टू प्लस आईटा। नाउ यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स हम इसको, तो माइनस फोर, नेक्स्ट वन इज प्लस टू आईटा, नेक्स्ट वन इज प्लस टू आईटा, नेक्स्ट वन माइनस आईटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस आईटा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस फोर और ये आईटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस वन प्लस माइनस फोर प्लस वन, आईटा स्क्वायर क्या था फ्रेंड्स, माइनस वन था, तो माइनस माइनस क्या हो गया था यहाँ पर प्लस, तो माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री। नाउ ये आ जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स हमारे पास माइनस थ्री प्लस फोर आईटा डिवाइडेड बाय टू प्लस आईटा। फ्रेंड्स आईटा डिनोमिनेटर में तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, रेशनलाइज टू माइनस आईटा। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, माइनस सिक्स, नेक्स्ट वन इज प्लस थ्री आईटा, नेक्स्ट वन इज एट आईटा, नेक्स्ट वन इज माइनस फोर आईटा स्क्वायर
क्लियर स्टूडेंट्स, माइनस फोर आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी मीन्स टू स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर इज माइनस वन, तो मीन्स प्लस वन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस वन। नाउ ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहां से आइटा स्क्वायर माइनस वन मीन्स प्लस फोर, प्लस फोर, तो ये रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट यहां से माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस टू एंड प्लस इलेवन आइटा डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर मीन्स फोर प्लस वन फाइव, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमने फाइंड आउट किया था। अब इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करना है आपको, रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू जेड वन कॉन्जुगेट। तो नाउ स्टूडेंट्स रियल पार्ट की अगर हम बात करें तो यहां से ये हो जाएगा माइनस टू बाई फाइव प्लस इलेवन बाई फाइव आइटा, तो रियल पार्ट क्या स्टूडेंट इसका माइनस टू बाई फाइव, तो माइनस टू बाई फाइव इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो रियल पार्ट पूछा था हमसे, तो हमने रियल पार्ट फाइंड आउट कर दिया। अब आते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट पे। स्टूडेंट सेकेंड पार्ट के लिए आपको रिजल्ट याद होगा कि मॉड ऑफ जेड वन सॉरी जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड इनटू जेड कॉन्जुगेट। ये रिजल्ट मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट में, और अगर नहीं भी पता है तो आप इसको याद कर सकते हो यहाँ से, सिंपली डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते हो स्टूडेंट्स इसका कि जेड जो होता है हमारे पास फ्रेंड्स जेड होता है एक्स प्लस आइटा वाई, x प्लस आइटा वाई एंड z कॉन्जुगेट होता है स्टूडेंट्स x माइनस आइटा वाई, ये होता है स्टूडेंट्स। तो यहां से अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब a माइनस b एंड a प्लस b आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर y स्क्वायर, आइटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा प्लस वन। तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होता है मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है मॉडुलस ऑफ जेड, लेकिन अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आइडेंटिटी हम जो है इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स जेड की प्लेस पे क्या है जेड वन, और जेड वन इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मॉडुलस ऑफ जेड वन का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड वन का स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स इसका, तो यहाँ से जो हमारे पास इमेजिनरी ऑफ हमें वन बाई जेड वन इंटू जेड वन कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन बाई मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर जेड वन के मॉडुलस का स्क्वायर लिख दिया स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से स्टूडेंट्स जेड वन के मॉडुलस का स्क्वायर, जेड वन का जो मॉडुलस है स्टूडेंट्स कितना आएगा यहाँ से आप बता सकते हो स्टूडेंट्स, जेड वन का जो मॉडुलस हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स अंडर द रूट टू का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट इज माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर। और इस कंप्लीट का क्या स्टूडेंट्स, इस कंप्लीट का क्या स्टूडेंट्स स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड वन का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर इस कंप्लीट का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्टूडेंट्स अंडर रूट कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन बाई फाइव, क्योंकि स्टूडेंट्स आप दे रहे हो टू का स्क्वायर कितना होगा फोर प्लस वन फाइव, और स्क्वायर से रूट फिनिश हो गया तो वन बाई फाइव। अभी बताओ स्टूडेंट्स ये कोई रियल नंबर है, रियल नंबर है स्टूडेंट्स, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका जीरो होगा, मीन्स ये जो फॉर्म है ये फॉर्म इस फॉर्म की होगी स्टूडेंट्स वन बाई फाइव प्लस आइटा इंटू जीरो, यही फॉर्म होगी ना स्टूडेंट्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इमेजिनरी पार्ट जो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स जीरो आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इज द जीरो। क्लियर स्टूडेंट्स, यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ वन प्लस टू आइटा डिवाइड बाय वन माइनस थ्री आइटा। इसका हमें मॉडुलस एंड आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर में क्या स्टूडेंट्स आइटा, तो यहाँ से हो जाएगा वन प्लस टू आइटा। एक बार के लिए आप इसको क्या करो स्टूडेंट्स एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो, इस कंप्लीट को हमने क्या माना जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वन माइनस थ्री आएगा, तो रेशनलाइज किया स्टूडेंट्स वन प्लस थ्री आएगा एंड वन प्लस थ्री आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट्स वन, नेक्स्ट वन इज थ्री आइटम
नेक्स्ट वन इज 2 आइटा एंड 3 इंटू 2 6 आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस 3 आइटा स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां से ही आ जाएगा हमारे पास आइटा स्क्वायर मीन्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट यहां से माइनस 6, ये माइनस 6 हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां से माइनस 5 प्लस 5 आइटा डिवाइडेड बाय यू जाए स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1 और ये 3 आइटा स्क्वायर होगा, आइटा स्क्वायर क्या कर देगा यहां पर प्लस फॉर्म कर देगा तो 10 आ जाएगा। यहां से हम 5 को कैंसिल आउट, 5 को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे यहां से, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा z वही आ जाएगा फ्रेंड्स माइनस 1 प्लस आइटा बाय 2, 5 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, 5 टू 10 तो यहां से ही आ गया फ्रेंड्स। अब इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, माइनस 1 बाय 2 प्लस आइटा बाय 2, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया फ्रेंड्स। अब हम इसका क्या करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है फर्स्ट ईयर। तो स्टूडेंट्स हम मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड अंडर द रूट माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या होगा फ्रेंड्स, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा फ्रेंड्स 1 बाय 2 होगा, तो 1 बाय 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स अंडर द रूट 1 बाय 2 का स्क्वायर मीन्स 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, तो यहाँ से स्टूडेंट्स एलसीएम क्या आएगा 4, 1 प्लस 1 मीन्स 2, तो 1 बाय 2, तो मॉडुलस आ गया स्टूडेंट्स अंडर द रूट 1 बाय 2, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया मॉडुलस आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड आउट करना, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट से आपको सबसे आर्गुमेंट से पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट अप्लाई करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स पार्ट तो रियल पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, रियल नेगेटिव इमेजिनरी पॉजिटिव, तो मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सा क्वाड्रेंट बन जाएगा, ये एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव मीन्स ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट बन जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस 1 बाय 2 एंड प्लस 1 बाय 2, तो सेकेंड क्वाड्रेंट स्टूडेंट मैं बता चुका हूँ आपको थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो अल्फा है वो अल्फा की वैल्यू क्या थी मैंने आपको बताई थी यहाँ से टेन इनवर्स माइनस सॉरी प्लस वाई बाय माइनस एक्स, क्योंकि एक्स नेगेटिव है ना स्टूडेंट्स, तो एक्स कौन है यहाँ पर माइनस 1 बाय 2 एंड वाई कौन है यहाँ पर प्लस 1 बाय 2, तो यहाँ से वाई बाय एक्स है तो उसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर टेन इनवर्स वाई मीन्स स्टूडेंट्स 1 बाई 2 एंड x मीन्स माइनस 1 बाई 2, तो माइनस तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मॉडुलस के अंदर फिनिश हो जाएगा एंड 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 इनवर्स 1 आ जाएगा, 10 इनवर्स 1, और 1 जो वैल्यू है 10 पे कौन से एंगल पे होते हैं स्टूडेंट्स पाई बाई 4 पे, अपोजिट सोचना है इनवर्स के केस में आपने उल्टा सोचना है, 1 वैल्यू 10 पे कब होते हैं स्टूडेंट्स पाई बाई 4 पे, तो अल्फा इज इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास पाई बाई 4 आ गया, तो नाउ थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा एंड अल्फा इज पाई बाई 4, अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स पाई बाई 4 है, तो एलसीएम कितना आया स्टूडेंट यहाँ से 4 पाई माइनस पाई मीन्स 3 पाई बाई 4, कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से 3 पाई बाई 4 इज द आंसर, तो थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 पाई बाई 4 आएगी, और नेक्स्ट जो मॉडुलस है स्टूडेंट्स वो 1 बाय 2 अंडर द रूट। क्लियर स्टूडेंट्स? फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आइटा y इंटू 3 प्लस 5 आइटा इज कॉन्जुगेट ऑफ माइनस 6 माइनस 24 आइटा, ये जो है स्टूडेंट्स ये कॉन्जुगेट है किसका माइनस 6 प्लस माइनस 6 माइनस 24 आइटा, इफ दिस वन इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस आइटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आइटा जो है यहां से माइनस 6 माइनस 24 आइटा का क्या है स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट है, माइनस 6 माइनस 24 आइटा क्या है स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट में हम
इमेजिनरी पार्ट का जो नेगेटिव साइन है उसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, पॉजिटिव बना देंगे। तो माइनस सिक्स प्लस 24 आइटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया फ्रेंड्स हमने यहाँ से, तो 3x, नेक्स्ट वन इज 5x आइटा, नेक्स्ट वन इज माइनस 3y आइटा एंड नेक्स्ट वन इज माइनस 5y आइटा स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, 5y आइटा स्क्वायर मीन्स माइनस 1 के लिए प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5y। तो यहां से रियल पार्ट जो आएगा फ्रेंड्स 3x प्लस 5y एंड इमेजिनरी पार्ट आइटा कॉमन लेंगे फ्रेंड्स, तो यहां से 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 24 आइटा। तो यहां से फ्रेंड्स 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6, जो एक रियल पार्ट है फ्रेंड्स वो रियल पार्ट से कंपेयर होगा, इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर होगा। तो यहाँ से 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। ये दो इक्वेशन आ गई फ्रेंड्स, हम इनको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन दो मेथड आपको सुटेबल लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से एलिमिनेशन अप्लाई किया हमने, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया फ्रेंड्स, इसको इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ से 9x प्लस 15y माइनस 18 माइनस 18, नेक्स्ट वन इज 25 माइनस 15y एंड 24 इंटू 5 मीन्स यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 120 आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से। तो नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं, 15y कैंसिल आउट, 25x था स्टूडेंट्स यहाँ से, तो ये हो जाएगा 34x एंड 102, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 102 बाई 34 मीन्स 3। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से y आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 3 × 3 9 मीन्स 9 माइनस 9 प्लस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6, तो मीन्स यहाँ से माइनस 15, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 3 आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस